तो ये देख लें कि क्या हालत हो गया इसकी। ये यहाँ से भी क्रैक पड़ गया और जो है इसकी जो हैंडल है वो भी बाहर आ चुका है। यहाँ से देखें, सिर्फ एक हिट मारने की ज़रूरत थी, मैंने काफ़ी डेंजरस शॉट मारी, तो मैंने कहा यार ये तो फास्ट बॉलिंग के सामने बिल्कुल नहीं चलेगा, हमने तो स्पिन पे भी मारी है डेंजरस हिट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ मैं हैरत से होंगे। तो आपको पता है जैसे सर्दियाँ आ रही हैं और मैं जी अभी ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी है क्योंकि मैंने सुबह ऐसी ही सेम टू सेम वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वीडियोज़ में कुछ इशूज़ हो गए थे जिसकी वजह से मैं अभी दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो आपको यार पहले इन्हें चुप करवाओ यार, कोई चुप करवाया इन यारा बस। अच्छा तो पहले बात ये कि यार अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दी में सबसे पहला काम क्या होता है यार, जब भी सर्दियाँ आती हैं ना आपके पास अगर गार्डन है ना आपका कहीं भी, और किसी का भी अगर गार्डन होगा उसके पास, तो उसको पता होगा कि यार सर्दियाँ आएगी ना तो जो फलदार पौधे हैं उन सब के अलावा जो पौधे होते हैं उन सब की कांट छांट थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। इसी तरह हमारा ये यार मौसमी का पौधा फलदार पौधा है, इसके बीच में यार ये पता नहीं ये तूत कहाँ से निकला, इसका देखें इसका ट्रंक देखें और इस बेचारे का, दोनों में ज़मीन में आसमान का फ़र्क है। सारा जो पानी देते हैं हम वो सारा ये चूस जाता था और उसके साथ ये लग छोटा सा रहा है, देखें कितनी सारी डालियाँ लगी हुई थी मैंने आज सुबह ना, ये देखें कितनी ज़्यादा है, तोबा तोबा पूरे इसको एरिया को कवर कर रही है, जितना पूरा बाकी सारे मिला के होते हैं ना, तो फिर ये लगता छोटा सा रहा था दूध लेकिन वह बहुत बड़ा था यार, मतलब काफ़ी इसमें डालियाँ थी और लंबी लंबी डालियाँ, ये देखें इनसे तो फांटे बन जाती हैं जो बच्चों को ये अगर निकाले ना इसे सोटियाँ मारने के लिए, तो 5 साल कहीं नहीं गई ये, इतनी ज़्यादा निकल आती हैं इससे। तो मैंने आज सुबह सुबह कुल्हाड़ी बोला, मैंने कहा कुल्हाड़ी उठाई इधर बाहर लटकी होती है, मैंने कहा यार चलो जी, वो बाकी समझे कि यार पता नहीं क्या करने लगा कुल्हाड़ी लेकर, क्या कोई लड़ाई शाही तो नहीं होगी, मैंने कहा नहीं नहीं बस ये काम थोड़ा सा करना है तो हम काम कर लेंगे ठीक है, परेशान नहीं होना। तो यार अब पहले इस पर भी समियाँ वगैरह काफ़ी लगती थी लेकिन अभी इसकी जो हालत बहुत पतली हो चुकी है, अब मैंने सोचा यार इसको पानी तो सही मिलेगा ना है, इसीलिए यार ये किया। तो अभी मैं दिन को वीडियो बना रहा हूँ, दोबारा बनानी पड़ी है ठीक है, वैसे सुबह ये बनाई हुई थी लेकिन चलो उसमें कुछ इश्यूज़ हो गए थे, कोई बात नहीं। अभी हमारा जो बच्चा ना यार पौधा जो है हमारा ज़्यादा, इसको पता नहीं क्या अंगल है ये कुकड़ को, अच्छा तो ये सही ग्रो करेगा अब ठीक है, इस पर अगले साल इंशाल्लाह फल लगेंगे। और ये हमारा रोने वाली हालत हुई है यार, मैं इतना बैंड मंगवाया था मैंने इतने शौक से, तो लेकिन अभी इसकी जो सिर्फ एक शॉट मैंने कड़ाके की मारी है तो इसकी हालत जो है ना, यानी इसको क्रैक पड़ गया, इसका जो हैंडल है वो बाहर आ चुका है, तो अभी ये खेलने के काबिल नहीं रहा ठीक है। तो अभी इसको मैं सही करवाने जा रहा हूँ, इसको सही करवाएंगे फिर आपको बताता हूँ क्या इसका कितने का रिपेयर हुआ, कैसा रिपेयर हुआ और क्या होता है इसके साथ, और सही है। तो अभी यार बस क्या बताएं, हो गया चले सही करवाते हैं इसे, फिर आपके पास आते हैं। ओके जी, तो आप लोगों की आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि बाबी किसी शादी में आए हैं और हल्की सी शादी की शादी खाई है और अभी जा रहे हैं वापस ठीक है। अभी वो 10 बजे वो आना शुरू हो जाती है, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, काफ़ी गुड साइन है क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की अपनी रूटीन बदलूँ तो अभी फाइनली थोड़ा सा बहुत कर लिया। तो ये अभी यार आए हैं किसी मेहंदी पर ना, तो अभी तक यार मेहंदी पर ही ये रात वाला सीन करने इतना लंबा काम कर दिया उन्होंने, तो चलो दिखाते हैं थोड़ा बहुत। हाय सीढ़ी अभी खतरनाक है यार, रोलर कोस्टर की तरह ये सीन है थोड़ा बहुत। वो देखो सबसे पहले मैं क्या दिखा लेंगे, वो वाशरूम है, फिर यार ये पीछे मेरे लेडीज सेक्शन है यार, वो वहाँ पे जेंट्स सेक्शन है, तो हम काफ़ी 2 घंटे पहले रोटी खा चुके हैं और फिर बाद में इन्होंने मेहंदी वगैरह का प्रोग्राम शुरू किया, बाकी जो सारा होता है निज़ाम सिलसिला। तो यार आज के लिए बस अभी ना निकलने लगे हैं, तो यहाँ से फिर